हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सब बच्चा लोग जल्दी बताइए ऑडियो वीडियो ओपी है कि नहीं आज तो बहुत अच्छा दिन है जी हाँ वेरी वेरी हैप्पी ऑल ऑफ अस आर हैप्पी आज आपने देखा होगा हमारा सब्सक्राइबर काउंट एक नई ऊंचाई को छू गया है आशा करेंगे कि और भी ज्यादा यूं ही बढ़ता चला जाए सेवन नंबर ही बड़ा मजेदार है सात लाख बहुत बड़ी बात है सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम ईच वन ऑफ अस हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बड़ा 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 वाला थैंक यू आपका प्यार अमर रहे यूं ही बरकरार रहे हम आपको पढ़ाते रहे और आप कामयाबी छूते रहे इसी पॉजिटिव नोट और गुड विशेष के साथ आ चुका है इंग्लिश के सिलेबस का आखिरी लेसन जी हाँ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेकलेस बढ़िया ये लेसन है नेकलेस तो वंस अगेन आप सभी थैंक यू एंड वी आर गोइंग टू बी बिग टूडे कुछ अच्छा कुछ बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है है ना हम हमारे जो सिलेबस है उसका ये जो आखिरी लेसन है नेकलेस इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं यस yes, बहुत ही बढ़िया सो यस कंग्रेचुलेशन टू यू एंड टू अस हम सभी ने मिल ये आ, इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं एक से सात लाख ये जर्नी बड़ी ही मेहनत भरी पॉजिटिविटी भरी चैलेंजेस भरी एंड हर दिन आपको काम करना है हर दिन आपको पढ़ना है अपना अच्छा स्कोर लाना है आपके लिए हमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट सबसे बेस्ट वे में डिलीवर करना है तो ये चैलेंजेस हमने लेके काफ़ी मेहनत की और आपने भी जिसका ये असर है सो वंस अगेन थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जिसका कभी ना कभी इस चैनल के बढ़ने में योगदान रहा है फ्रॉम ईच वन ऑफ अस जिसने यहाँ पर आपको पढ़ाया है और ऑल द टीम सभी पूरी टीम मेंबर्स ऑल द टीम मेंबर्स से जो जुड़े हुए हैं हमारे लिए आपके लिए है ना सो वंस अगेन गुड ओस टू ऑल ऑफ यू जय फिजिक्स वाला एज यू गाइस से तो चलिए आज का काम का क्या है बता देते हैं तो आज हम आखिरी लेसन है जो हम पढ़ने वाले वो है नेकलेस जी हाँ एक प्यारा सा गले का ऑर्नामेंट होता है नेकलेस तो नेकलेस नाम पे लेसन है भाई ऐसा क्या होने वाला है इस लेसन में खास बता देते हैं आपको तो जल्दी बताइए आप सब लोग कैसे हैं यस गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू हैव इन है yes, बहुत ही बढ़िया सभी को प्रणाम मेरी तरफ से हेलो हाय गुड इवनिंग आज मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है प्लीज बेयर विद मी ओके मैम यू आर यूनिक कह रहा है बच्चा बिल्कुल थैंक यू सो so मच शुभ रात्रि अच्छा जी अभी तो अभी तो शुरुआत है बेटा अभी तो शुरुआत है यस थैंक यू एवरीबडी फॉर ऑल द लव एंड कई बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड्स हैं एग्जामिनेशन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है तो हमारी तरफ से सिलेबस तो ख़त्म ही हो जाएगा भाई है ना यस yes. इसी मंथ मार्च एंड तक हमारी तरफ से हमने हर एक लेसन आपको पढ़ा दिया होगा ओके यस सो इसी हैप्पी नोट के साथ पॉजिटिविटी के साथ मेरे सारे वॉरियर्स वंस अगेन आर यू रेडी टू कंप्लीट वन मोर लेसन ऑफ आर इंग्लिश लिटरेचर द लास्ट लेसन ऑफ टर्म टू विच इज नथिंग बट नेकलेस करते हैं शुरू चलिए आ जाइए सभी लोग ओके okay? यस yes. सो so, क्या होगा ये लेसन बेसिकली किसके ऊपर है क्या होने वाला है कौन कौन मेन कैरेक्टर्स है उनके साथ होता क्या है ये हम जानेंगे और फिर इस लेसन के सारे वो इम्पोर्टेंट बातें वो मुद्दे जो बड़े हैं ज़रूरी उन सभी को हम करेंगे डिस्कस ओके यस एंड हाँ जब लेसन को लगता है हमने अच्छे से घोट के पी लिया है चीज़ों को समझ लिया है तो फिर पता तो चले कि तुम्हें कितना कुछ आया था तो क्वेश्चन टाइम में पूजा मैम भी होगा क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और डरिए मत घबराइए मत आप सोच रहे हो आज साढ़े सात बजे लेक्चर शुरू हुआ है जल्दी कर देंगे खत्म आपको अच्छे से पढ़ा देंगे चिंता मत करो ओके यस आदित्य तिवारी वी विल मिस यू टू हम कहीं नहीं गए हैं यहीं हैं जुड़े हुए हैं चिंता मत कीजिएगा ओके यस सो सभी बच्चे कह रहे हैं यस मैम वी आर रेडी बहुत ही बढ़िया क्लास कितने आर की होगी एक घंटे में वी विल क्लोज इट बेटा ओके यस थैंक यू फॉर ऑल द तारीफ़ा और दस कि तरीफा चाहे दिया तैनू हमारी तारीफें आप करते रहे तो इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है बट आपकी जितनी तारीफें किया जाए उतनी कम है सच्ची बता रही हूँ मैं सपोर्ट लव प्यार मोटिवेशन सब कुछ है आपके पास एंड यू नो वाट सबसे अच्छी चीज़ जब रिजल्ट आता है ना और अच्छा रिजल्ट आता है आप लोगों का तो बड़ी खुशी होती है जैसे कुछ बच्चे बताते हैं मैसेजेस करते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं कि स्कूल में मैंने टॉप किया है मैं नाइन्थ में फेल हो गया था बट टेंथ में मैंने अच्छा किया एटथ में मैं बड़ा वीक था नाइन्थ में मैंने अच्छा अच्छा पुश मिला मुझे पीडब्ल्यू की वजह से तो ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है बेटा सो आर बोर्ड से एक बच्चा कह रहा है सब होगा ठीक होगा डोंट वरी ओके यस सो ऑल द लव फ्रॉम यू गाइस है ना टू अर्ज जो हम तक पहुँचता है हमारी तरफ से आपके लिए और अब देर नहीं करते हैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लें ओके सो वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट द नेकलेस सभी बच्चों का नाम लेना इम्पॉसिबल है पर दिल से आप हमसे जुड़े हुए हो तो चलिए अ वेरी बिग हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टार सुपरस्टार्स स्टार्स आगे बनने वाले रॉक स्टार्स के लिए ठीक है शुरू करते हैं हम आज का लेसन हमारा द नेकलेस तो बेटा ये एक ना एक कहानी है ठीक है स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूम रही है एक लेडी के गिर्द गिर्द जिसका नाम है मटिल्डा क्या नाम है मटिल्डा तो बेटा मटिल्डा थोड़ी सी सेल्फिश है सेल्फिश क्यों है क्योंकि ये जो सेल्फिश लेडी है जिसका नाम है मटिल्डा इसको जिंदगी के सारे ऐशो आराम चाहिए बड़ा घर अमीर अमीर मतलब लाइफ बहुत लग्जूरियस लाइफ वो जीना चाह रही थी और वो ना खुश नहीं अपनी लाइफ से शी इज़ डिससेटिस्फाइड शी इज़ नॉट एट ऑल सेटिसफाइड ओके विथ अ लाइफ क्योंकि उसे एक रिच हस्बैंड चाहिए बट बिकॉज शी बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ क्लर्क्स एंड फॉर हर हर फैमिली क्योंकि क्लर्क्स को बिलोंग करती है तो ज़्यादा दहेज नहीं दे पाई तो होता है ना अपनी बिरादरी में शादी कर दी उन्होंने क्लर्क से तो बचपन से कोई सपना देखो मैं बड़े से घर में रहूंगी सारे ऐशो आराम अच्छे कपड़े बंगला गाड़ी घर सब मेरे पास होगा और जब ऐसा नहीं होता तो इंसान डिससेटिस्फाइड तो होता है यही होगा मैडम मटिल्डा के साथ जी हाँ मटिल्डा एक बहुत अमीर घराने में जाना चाहती थी बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो खुद क्लर्क की फैमिली को बिलोंग करती थी ज़्यादा दहेज ना दे पाने की वजह से उन्होंने भी क्लर्क से ही शादी करा दी है ना क्लर्क से ही उसकी शादी हो गई क्या हुआ बच्चों क्लर्क से ही उसकी शादी हो गई देन वॉट वन डे शादी हो गई बोथ हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में मगरूर है बिजी है वाइफ खुश नहीं है अपनी लाइफ से वो बहुत कुछ चाहती है ओके okay. हस्बैंड अपना बेस्ट देता है इस वाइफ को खुश करने के लिए अपना बेस्ट हर चीज वो जो वो चाहती है तो एक दिन हस्बैंड आता है एक पार्टी का इनवाइट लेकर क्या लेकर पार्टी का इनविटेशन कार्ड लेकर हम चलेंगे पार्टी में उसे लगा कि मेरी बीवी को इतना शौक है सोशलाइज करने का अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बाहर घूमने का वो बड़ी खुश हो जाएगी तो इन्विटेशन कार्ड था है ना वो लेकर आया बट मटिल्डा ने मना कर दिया वो कार्ड को ऐसे फेंक के मारा बोला मेरे पास पहनने के अच्छे कपड़े भी नहीं है और ज्वेलरी भी नहीं है मैं नहीं जा रही किसी और को दे दो ये कार्ड सो मटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लोथ्स एंड ज्वेल्स टू वेयर एट सच ए पार्टी तो बात ये होती है कि उसके पास पार्टी में पहनने लायक इतनी अच्छी ज्वेलरी नहीं होती इतनी अच्छी ड्रेस नहीं होती हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं ले लो कपड़े ले लो खरीद लो ठीक है अपनी तरफ से उसने उसको पैसे दिए 400 हंड्रेड फ्रैंक्स उसने ड्रेस ख़रीद ली अब तुम्हें क्या लगा प्रॉब्लम सॉल्व ना जी ना असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी जो सिर्फ कपड़ों से कहाँ मन भरना था उसे ज्वेलरी भी चाहिए थी तो फिर ज्वेलरी में आया नेकलेस ये नेकलेस जिसकी ज़रूरत इसे बहुत ज़्यादा थी ये नेकलेस इसे कैसे मिला और जब मिला तो क्या उसे ये संभाल कर रख पाई क्या यह पार्टी में अच्छे से जा पाई और अगर गई तो फिर कैसी रही पार्टी और आगे क्या हुआ इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं इस लेसन में सो इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन ये अनहैप्पी लेडी कैसे अपनी लाइफ को बद से बदतर बना देती है इस कहानी में हम जानेंगे बहुत मजा आने वाला है सो मटिलडा क्लियर एवरीबडी एक दुखी औरत है हाँ या ना यस yes, बहुत ही बढ़िया थैंक यू क्रिश और रसिया थैंक यू सो मच शोभा देवी हाँ बेटा थोड़ा सा बट आई एम फाइन डोंट वरी सफरिंग विद लिटिल फीवर एंड मोस्टली थ्रोट इश्यू बट आई एम फाइन डोंट वरी एट ऑल तो बेटा मेन मुद्दे की बात क्या है इस कहानी में मैंने आपको बताया है एक अन मतलब अनहैप्पी डिससेटिस्फाइड एक लेडी है जिसकी शादी एक क्लर्क से हो गई है ठीक है और वो उसकी उम्मीदें वो उम्मीदेंटिफाइड क्यों क्योंकि उसके सारे सपने पूरे नहीं हुए जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई तो हस्बैंड ने क्या किया हस्बैंड का नाम क्या था फिर इन्होंने आगे पार्टी वाली जो सिचुएशन थी उसको कैसे हैंडल किया ये सब हम जानने वाले हैं ठीक है यस तो बहुत बढ़िया तरीके से हम चीजों को अब समझेंगे ओके यस तो शुरुआत करते हैं जानते हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या ओके okay. तो बेटा जरूरी है इनके नाम जानना हस्बैंड वाइफ का नाम वाइफ का नाम तो मटिल्डा है हमने ऑलरेडी जान लिया हस्बैंड का नाम है मिस्टर लॉइजल क्या नाम है लॉइजल दिमाग में फिट कर लेना ठीक है तो मैडम मटिल्डा लॉइजल ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल अगर हम एक तरीके से कहें हस्बैंड वाइफ एक अपार्टमेंट में रहते थे दे लिव इन एन अपार्टमेंट विथ हर वो अपनी वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहती थी और जैसे कि मैंने कहा वो बहुत अनहैप्पी थी सेटिस्फाइड नहीं थी जो उसने जिंदगी से मिला उस चीज़ शी वॉज अनहैप्पी विद अपार्टमेंट्स क्या चीज़ उसे पसंद नहीं थी उसके घर की बेटा यार समझो यार गरीब घर गर कैसा होता है ऐसे मतलब गंदी सी शैबी वॉल्स दीवारें, फर्नीचर भी कुछ खास नहीं था सो so वो अपने घर से अपने आसपास के माहौल से बड़ी ही परेशान थी फर्नीचर भी पूरा फटा पुराना था शी वॉज irritated बाई द वे हर husband रिएक्टेड टू द होम मेड फूड वाइल शी ड्रम्ड ऑफ रॉयल डिनर्स बींग सर्व्ड इन एक्सक्विजिट सिल्वर डिशेज हसबैंड घर के खाने में खुश था और ये औरत ये चाहती थी ऐसे आलीशान होटल में मैं जाऊँ फाइव स्टार होटल्स में मैं डिनर लूँ अलग अलग डिशेस सिल्वर की क्रॉकरी में सजी हो और मैं वो खाऊँ बट हस्बैंड जैसी लाइफ है उसमें खुश है पर वाइफ उसकी जैसी लाइफ है उसमें खुश नहीं है समझे कि नहीं समझे हम लोग यस yes? बहुत बढ़िया ओके okay, यशी मिश्रा पूछ रही है कौन सा सब्जेक्ट है ये बेटा इंग्लिश का लेसन है क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में जो आ रहा है नेकलेस उसके बारे में ठीक है थैंक यू कल्पना यादव कह रही है कि आप केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा पढ़ाती हो थैंक यू सो मच ठीक है यस एंड जो बच्चे मेरे लिए कंसर्न जताते हुए आई एम फाइन आई विल बी फाइन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कंसर्न और यार नेकलेस को पढ़ना जरूरी है सिलेबस खत्म करना जरूरी है एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी होनी जरूरी है क्या हुआ कोई तबीयत खराब है तो हो जाएगी ठीक है ना चलिए तो अब ये जो डिसटिस्फाइड लाइफ इसकी ये जी रही है हस्बैंड खुश है अपनी लाइफ से पर वाइफ नहीं तो देवर नाइदर रिच नॉर नॉरपुर देवर राइदर रिच नॉरपुर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे और चल रही थी इनकी लाइफ जैसे कि मैंने कहा शादी जब क्लर्क से होगी तो जैसी उसकी लाइफ होगी वैसी होगी है ना शी हैड टू मैरी ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज हर फैमिली कूड एफोर्ड टू गिव हर डाउरी ये गरीब घर गर में इसकी शादी क्यों हुई क्योंकि इसकी फैमिली के पास देने के लिए दहेज ना था डाउरी न थी ओके सो so, एक और चीज़ याद रखना इसके ना फ्रेंड्स थे शी ऑल्सो हेटेड विजिटिंग हर रिच फ्रेंड्स क्योंकि जब अपने अमीर दोस्तों के पास ये जाती थी ना इसे बड़ा बुरा लग जाता था कई दिन रोती थी ये मेरी लाइफ देखो उनकी लाइफ देखो कहाँ मैं फंस गई हूँ ऐसे ना बहुत रोती थी ये लड़की एनवीड हर जेलसी होती थी इसे अपने दोस्तों से तो मिलने भी नहीं जाती थी उनसे जब मिलने गई तो रोती रहती थी बिकॉज वेन शी विजिटेड शी बिकेम सैड एंड क्राइड फॉर डेज टूगेदर बहुत दिनों तक रोते रहना रोते रहना रोते रहना ऐसा चलता रहता था ठीक है यस yes. हा कुमारी शबनम लिखना नहीं आता है मैं हेल्प करूंगी आपकी डोंट वरी सो बेटा अभी तक की कहानी है क्लियर हस्बैंड वाइफ एक छोटे से पुराने से फटे पुराने फटीचर घर में रह रहे हैं क्लर्क है तो क्लर्क अपने हिसाब से ठीक कर रहा है उसकी नौकरी ठीक चल रही है बट यू नो वट इसकी उम्मीदें ज्यादा है लेडी की उम्मीदें ज्यादा है तो अब इनकी लाइफ चल रही है ओके okay, अपने अमीर दोस्तों को देखकर मिलकर ये बड़ी सैड हो जाती है उदास हो जाती है रोने लगती है ये हमने जान लिया अब देखते हैं आगे क्या होगा आगे जब हस्बैंड आया तो जैसे कि मैंने कहा एक इनविटेशन लेके आया था वो और वो किस चीज़ का इनविटेशन था कहाँ जाना एक पार्टी थी कहाँ पर एट दी हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर के घर पर थी पार्टी बड़ी मस्त पार्टी होने वाली थी बच्चों क्या होने वाली थी बड़ी मस्त पार्टी होने वाली थी क्लियर एवरीबडी Yes, okay. A must party थी. <coughs> <coughs> Sorry. Contrary to his expectation, Matilda was irritated and angry and threw the card away. Husband को लग रहा था कि wife खुश होगी पर wife खुश नहीं उसने card फेंक दिया. फिर देखिए क्या हुआ. She was upset because she didn't have anything to wear. उसके पास पहनने के लिए नहीं था, है ना अच्छी सी dress. तो फिर हस्बैंड ने अपने पैसे 400 हंड्रेड फ्रैंक्स जैसे कि मैंने कहा था 400 हंड्रेड फ्रैंक्स दे दिए उसे नई ड्रेस खरीदने के लिए और वो पैसे कहाँ से आए बेटे उसने सेव किए थे किस चीज़ के लिए ही हैव बीन सेविंग टू बाय अ गन इस बंदे को ना शिकार का शौक था मिस्टर लॉयजल को तो इसका मन था कि मैं ना समर्स में अपने दोस्तों के साथ जाऊँ शिकार पर तो उसके लिए उसने पैसे सेव किए थे कि मैं गन खरीदूँ पर उस पैसे को जो उसने सेव किया था अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हंटिंग के लिए गन खरीदने के लिए वो पैसे उसने बिना सोचे समझे दे दिए हमारी मटिल्डा को कि तुम ड्रेस खरीद लो ठीक है तो तुम्हें क्या लगा खुश नहीं हुई वो ड्रेस लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है ना अब जब वो ड्रेस लेकर भी जब खुशी नहीं हुई तब क्यों खुशी नहीं हुई उसने कहा कि मैं ज्वेलरी क्या पहनूंगी हस्बैंड ने एक बढ़िया सजेशन दिया फ्लावर ज्वेलरी पहन लेना क्या पहन लेना फ्लावर ज्वेलरी फूलों की ज्वेलरी बहुत प्यारी लगोगी तुम बहुत सुंदर लगोगी पर वाइफ नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी उसने बिल्कुल सरे से मना कर दिया मुझे नहीं करना हस्बैंड ने बड़े प्यार से बोला था कि तुम फ्लावर ज्वेलरी पहन लो बट वो सजेशन इसे पसंद नहीं आया फिर हस्बैंड तेज था शाना था उसने एक और आइडिया दिया हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी कुड बोरो अ ज्वेलरी मतलब जो नेकलेस उसे चाहिए फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉर स्टर तुम्हारी जो अमीर दोस्त है ना उससे उधार ले लो नेकलेस और ये आइडिया सही फिट बैठा दिमाग में हमारे मटलडा के तो प्रॉब्लम थी तो सॉल्यूशन भी हस्बैंड ने दे दिया था जाओ मैडम फॉरेस्टियर उसका नाम है उसकी फ्रेंड का जाओ और अपना नेकलेस ले आओ मतलब उधार ले आओ फिर पहन के वापस कर देंगे तो प्लान है सेट अब देखते हैं आगे क्या होगा ओके यस अब देखते हैं आगे क्या होगा ओके यस लेट्स कंटिन्यू ना मैडम लॉयजल जा पहुँची अपने दोस्त के घर शी वेंट टू हर फ्रेंड्स होम एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन बताए ऐसे ऐसे पार्टी है मुझे तुम्हें जूलरी की ज़रूरत है मुझे तो क्या आप दे दोगे तो फिर येस मैडम फर्स्ट ईयर ने अपनी कबर्ड खोला और आज है टू चूज़ व्हाट एवर शी लाइट अच्छी दोस्ती बोलाइए ले जो लेना है ले ले जो पसंद आए ले ले ऐसे उसने इसको दे दिया मटिल डा चूज ए प्रेशियस डायमंड नेकलेस विच इस इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स उसने बहुत सारे नेकलेसेस देखे जो पड़े थे बट उसने एक नेकलेस चुना जो कि ना ब्लैक कलर के सैटिन बॉक्स में था किस में था ब्लैक कलर के सैटिन बॉक्स में और वो नेकलेस उसने चुना उसे बहुत पसंद आया अरे शी वॉज लाइक दिस इज द बेस्ट वन सूटेबल है ये है ना सो so, नेकलेस ले लिया बड़ी खुशी से वो गई पार्टी में शीफ दे ऑल हजबेंड वाइफ गए दे वेंट टू द मिनिस्टर्स पार्टी और फिर उस पार्टी की जान थी मटिल्ला इतनी सुंदर लग रही थी वो इतनी सुंदर लग रही थी सबकी नज़रें उसी पर थी उसकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज था वो बहुत बढ़िया शाम बीत रही थी उसकी क्योंकि ऑल द मैन एडमायर्ड हर शी वाज लुकिंग गॉजियस बहुत ही सुंदर वो लग रही थी अपनी नई ड्रेस में ज्वेलरी में बहुत ही सुंदर चार बजे सुबह तक उन्होंने वहीं बिताया काफ़ी वक्त बिताया ठीक है और चार बजे फिर वो वहाँ से निकले दे रिटर्न बाय फोर ए एम इन द मॉर्निंग ठीक है यस दे रिटर्न प्रत्यक्षा वर्मा पूछ रहे हैं पूछ रही है कि हमें बताना है कि ह्यूमिलिएटेड काम का मतलब ह्यूमिलिएटेड मतलब जब बेटा आपको को बहुत बेइज्जती करे सबके सामने जब बेइज्जती होती है ना हायर लेवल की इंसल्ट को ह्यूमिलिएशन कहते हैं जैसे क्लास में सबके बीच में जब करते हो तो बड़ा बुरा लगता है ना ह्यूमिलिएट कर दिया मुझे सबके सामने ऐसे ठीक है इसे कहते हैं ह्यूमिलेटेड ओके एंड अब यहाँ पर ये जब गई पार्टी में वहाँ बहुत एंजॉय किया वहाँ पे फिर कुछ देर बाद हसबैंड मतलब मेन सब अलग अपना काम करने लगे वाइफ सब एंजॉय करने लगे और फिर जाने लग गए तो ना हस्बैंड बड़ा ही प्यारा मुइजल मिस लॉइजल जाकर उसे ना ठंड लग रही होगी बोल के रात को श्रग उड़ाने जाता है कोट उठाने और ये बोलती नहीं 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 वो बाकी औरतें देखो कितनी अमीर वाली अच्छे अच्छे रिच वाली ड्रेसेस पहन रही हैं देखते ही पहचान जाएंगी कि मैं गरीब हूँ तो जल्दी जल्दी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो मतलब उसे अपनी इज्जत बचाने का बहुत ही ज़्यादा लोग सोचें कि मैं बड़ी रिच हूँ शर्मा रही थी वो और वो फिर बाहर बाहर निकल आए थोड़ी देर पैदल चलने पर उन्हें कैरेज मिला और फिर वो पहुँच गए घर ठीक है मिस्टर लॉयजल अब घर पहुंचेंगे और देखना क्या होगा मजेदार चीजें बाय द टाइम एम लॉयजल हैड ऑलरेडी डोज्ड ऑफ इन वन ऑफ द रूम्स रूम थ्री अदर मैन तीन और आदमियों के साथ मिस्टर लॉयजल तो चार बज गए थे तो ऑलमोस्ट मुंह खोल खोल के सो रहा था ठीक है फिर ये गए और फिर दे डिसाइडेड डिसाइडेड तो टू टू लीव दे तो लीव और उन्हें कई देर तक कैरेज नहीं मिला मतलब वो नहीं होता बेटा गाड़ी जिसमें घोड़े गाड़ी जिसमें हम जा सके अपने घर वो मिला नहीं कुछ दूर चलने पर फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल दे गॉट अ कैरेज विच ड्रॉप देम राइट आउटसाइड द डोर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कैरेज मिल गया घर के सामने छोड़ दिया एंड नाउ वट हैपन यू सी घर जाने के बाद हसबेंड स्टार्टेड वो भी कपड़े बदल के सोने की तैयारी करने लग गया मटिल्ला ने सोचा एक बार मैं अपने आप को शीशे में देख लूँ आज का दिन जो इतना बढ़िया गया है शी वॉज सो हैप्पी तो उसने अपने आपको शीशे में देखा और जब देखा तो उसने रियलाइज किया कि नेकलेस गायब जी हां जो नेकलेस था उसके गले में वो अब नहीं है शी रियलाइज दैट देर वॉज नो नेकलेस शी डेंट है नेकलेस उसके गले में कोई भी नेकलेस नहीं है ओके यस थैंक यू सो मच आदर्श थैंक यू फॉर द कंसर्न बहुत ही बढ़िया सैटिन बॉक्स मतलब बेटा ज्वेलरी आपने देखी होगी जिसमें रखी जाती है ऐसे प्यारा सा सॉफ्ट सा साटन का कपड़ा होता है आपकी मम्मी की ज्वेलरी अगर आपने कभी देखी हो तो अच्छी जो ज्वेलरी के पीसेस होते हैं उन्हें ना अलग से अलग डब्बों में रखा जाता है साटन क्लॉथ होता है बड़ा सॉफ्ट सा तो उसके लिए सैटन बॉक्स बोला गया कि वो कपड़े से उसको ढका जाता है उस डब्बे को ओके यस तो अब नेकलेस गायब हो गया भाई नेकलेस गायब हो गया एलोन बॉय पूछ रहे हैं एडमायर का क्या मतलब एडमायर मतलब किसी को पसंद करना आई एडमायर हिज गुड 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 स्पीकिंग स्किल्स कोई चीज़ आपको किसी की बहुत पसंद आती है तो ये एडमायर है इसका मतलब होता है एडमायर ठीक है तो अब नेकलेस हो चुका है गायब आगे क्या करे मैं लुट गया मैं बर्बाद हो गया ऐसे बैठ के रोए ऑब्वियसली नॉट परेशान जैसे उसने देखा नेकलेस नहीं है वो चिल्लाई बहुत ज़ोर से पति भागा भागा आया और पूछा क्या हुआ क्या हुआ नेकलेस नहीं है और पति ने उसको ना डांटा ना पीटा ना कुछ और कहा और बोला कहाँ गया ऐसे कैसे मैं जल्द इसे ढूंढ के आता हूँ तो ये काम पे लग गया और ढूंढने लगे बहुत अच्छा लविंग हस्बैंड था मैं कहूंगी मिस्टर लॉयजल क्या कहे करा उन्होंने ही वेंट आउट टू सर्च द रेलवे ट्रैक्स फ़ॉर द नेकलेस तो वो हर वो रास्ता जहाँ से वो आए थे वो ढूंढने निकल पड़ा और सिर्फ रेलवे ट्रैक्स ही नहीं जिस रास्ते पे वो आए थे वहाँ ही नहीं वो पुलिस स्टेशन भी गया कैब ऑफिस में जिस गाड़ी में वो आए थे वहाँ मिल जाए बहुत अलग अलग उसने मेहनत की एडवर्टाइजमेंट भी दी ये बोला कि रिवॉर्ड दूंगा जो ये नेकलेस ढूंढ के ला देगा बहुत कुछ किया यार बहुत कुछ ठीक है yes. यस बहुत कोशिश की और कोशिश करने पर भी पवन कुमार पूछ रहे हैं गॉजिस का क्या मतलब है बेटा गॉजिस मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्यारी खूबसूरत औरतों के लिए वर्ड यूज़ करता है हु लुक्स वेरी ब्यूटिफुल उन्हें हम गॉडजियस कहते हैं ठीक है एक बच्चा पूछ रहा है प्रोज और पोएट के बीच का फ़र्क बताओ प्रोज मतलब लिटरेचर के लेसन्स होते हैं और मतलब पोएट्री पोएम्स होती हैं ठीक है यस अब जैसे कि मैंने कहा बहुत कोशिश की एडवर्टाइजमेंट डाली ढूंढने के लिए नहीं मिला फिर क्या हुआ अब उसको ढूंढने के लिए वक्त चाहिए था ना नेकलेस ढूंढने के बाद उसने क्या किया अपने वाइफ को बोला ही टोल्ड वाइफ टू हर फ्रेंड दैट द क्लास ऑफ द नेकलेस हैड हैड ब्रोकन एंड गिवन इट फॉर रिपेयर उसने कहा हमें वक्त मिल जाएगा नेकलेस को ढूंढने का तुम अपनी दोस्त को ये बोल देना कि क्लास मतलब कड़ी मतलब नेकलेस का एक कड़ी एक कड़ी एक हिस्सा थोड़ा सा टूट गया जो रिपेयर करने के लिए भेजा है जैसे रिपेयर होके आता है मैं तुम्हें दे दूँ एक हफ्ता बीत गया नेकलेस नहीं मिला अब क्या करें आफ्टर ए वीक में द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड दे डिसाइडेड इट टू रिप्लेस इट विद ए सिमिलर वन एक हफ्ता बीत गया नेकलेस नहीं मिला एक हफ्ता बीत गया नेकलेस नहीं मिला इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हमें नया उसे देना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा जैसा वो था वैसा ही नेकलेस गया ये ज्वेलरी शॉप में पता करने के लिए जैसा नेकलेस वो था वैसा ही मिलने बाकी नहीं इमिटेशन का मतलब प्रत्यक्ष वर्मा नकल करना इमिटेट जूलरी इमिटेशन जूलरी होती है मतलब वही फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जिसे हम कहते हैं वैसे इमिटेट करना कॉपी करना उस चीज़ की ओके सो दे फाउंड फाउंडेश सिमिलर नेकलेस उन्होंने सेम ऐसा ही नेकलेस ढूंढा और वो नेकलेस उन्हें मिला थर्टी फ्रैंक्स का कितना एक्चुअली ना चालीस फ्रैंक्स का मिला बट उसको डिस्काउंट के बाद मिल गया थर्टी फ्रैंक्स का कितने का छत्तीस फ्रैंक्स अब पैसे कहाँ से आएंगे गरीब घर गर के ये लोग हैं तो फॉर्चुनेटली मिस्टर लॉयजल ने क्या किया अपने पापा बेटा ज़मीन वमीन होती है बाप दादाओं की तो उससे वहाँ से उसको अट्ठारह हज़ार फ्रैंक थे उसके पास इनहेरिटेड अपने पापा से उसे एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स मिले थे ठीक है और बाकी अट्ठारह हजार जो बच गए इसने क्या किया उधार लिया ऑब्वियसली बेटा कहते हैं ना मार्केट से पैसे उठाते हैं ब्याज पे ले लिया इसने पैसे अट्ठारह हजार फ्रैंक्स का कर्जा इसके सर पर था पर अब करे तो करे क्या इज्जत बचानी थी तो इसने वो रिस्क लिया अठारह हज़ार अपने पापा के दिए हुए पैसे उन्हें ले लिया अठारह हज़ार की उधारी ली और उसने नेकलेस ख़रीदा और उसको वापस भी कर दिया अब बताओ बेटा ये उधारी चुकाने पे जोर तो बड़ा लगेगा तुम सोच भी नहीं सकते कर्जे में डूबे हुए लोग कितने प्रेशराइज्ड और टेंशन में रहते होंगे कितने परेशान रहते होंगे ऐसा ही हाल हो गया इन दोनों का भी हस्बैंड वाइफ का भी अट्ठारह हज़ार फ्रैंक्स चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी पहले ही कुछ ज़्यादा रिश्ते थे नहीं बट अपनी लाइफ को और कम कर दिया और छोटे घर में सफाई के लिए जो काम वाली जो मेड आती थी, थी उसको हटा दिया सारा काम मटिल्डा खुद करती थी खर्चे निकालने के लिए और भी बाहर काम करती थी ये जो मास्टर लॉयजल था सुबह शाम दिन रात काम 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 दस साल बीत गए उस कर्जे को चुकाने में इट टुक दैम टेन ईयर्स टू रीपे ऑल द लोन्स दस साल लग गए और दस सालों में जिंदगी बदल जाती है वो सुंदरता वो हैप्पीनेस वो पॉजिटिविटी सब खत्म हो गई एंड एवरीथिंग चेंज्ड ड्रेस्टिकली सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से बदल गया छोटे अपार्टमेंट में चले गए दे रिमूव द मेड जो मैंने कहा आप सभी से है ना तो आई होप अभी तक की कहानी आ गई है समझ में तो कर्जे में डूबे लोगों की हालत हो चुकी थी खराब हाँ कुछ लोगों को तो कहानी पता है ऑलरेडी पापा पढ़ रखी है है नस एंड में क्या होगा ये भी पता है चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है बेचारा पतिदेव पति देव चलो आप लोगों के डाउट्स मैंने रूइन मतलब बेटा बर्बाद कर देना शाम्भवी रूएन रूइ मतलब खतबा हो गया बर्बाद हो गया इनहेरिटेड बेटा जो हम बायोलॉजी में आपने सीखे होगा इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं पेरेंट से जीन से आते इनहेरिटेड मतलब उनसे आई हुई चीज उनकी लेगेसी से ठीक है यस चाय पिलाई जा रही है ओके सॉरी सॉरी चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं वॉट नेक्स्ट ठीक है अब वाइफ ने भी अब आप अगर आपसे कोई पूछे कि मिस्टर लॉयजल ज़्यादा लविंग था या मिसेस लॉयजल यानी कि मटिल्डा मैडम तो मटिल्डा ना उम्मीदों से भरी थी उसको बहुत कुछ चाहिए था लाइफ से बट उसने भी अपने हस्बैंड का साथ निभाया क्योंकि उसे पता था गलती उसकी थी उसने भी दस साल अपना पूरा जोर लगाया पूरा पूरा जोर लगाया मतलब उन्होंने दोनों ने मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम को एक दूसरे को सपोर्ट किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ठीक है यस प्रगति पांडे लेट हो गई कोई बात नहीं अब देखते हैं क्या होगा मटिल्डा की लाइफ इतनी बदल गई कि वो खाना बनाने लगी घर पे धोने लगी कपड़े शी वॉश द क्लोथ हर सेल्फ सब कुछ खुद करने लगी मिस्टर लॉयजल भी ज्यादा काम करने लग गया मल्टीपल जॉब्स में काम करने लगा ताकि वो सारा उधारी वाला पैसा चुका सके इन दीज ईयर्स सबसे बड़ा चेंज जो आया दुख तकलीफ है जब सर पर पहाड़ टूट पड़ता है तो प्रॉब्लम तो होती ही है है हाँ ना बट फिर भी फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम औरतों की सुंदरता शी शिव लाइक मैडम मटिल्डा जो मिस्टर मैम मैडम लॉयजल यानी कि मिस्टर लॉयजल की बीवी जो थी उसकी शक्ल पे यार बारह बज गए थे मतलब झूरियाँ आ गई थी वो जो इतनी सुंदर होती थी अब वो वैसी नहीं रही शी स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर उम्र ज़्यादा जितनी थी उससे ज़्यादा लगने लग गई हर हेयर बैडली ड्रेस्ड हर वॉइस बिकेम लाउड उसकी आवाज़ ऐसे ना थोड़ी मर्दाना सी लाउड मतलब ऐसे नहीं पहले जो डेलीकेसी जो प्यारी सुंदरता जो एक, एक नज़ाकत थी वो नजाकत खो गई वो नज़ाकत खो गई बिकेम ए नॉर्मल पर्सन हु वुड कैरी अ बास्केट टू द ग्रोसरी स्टोर तो जा रही है सब्जियाँ ख़रीद रही है बुचर स्टोर फ्रूट स्टोर रोज अपना रोज़ का काम करती चली जा रही है है ना so, क्या सोचा था और क्या हो गया क्या से क्या हो गया बहुत बुरा हुआ यार हाँ प्रोफ प्रोफाइबल मैम मीनिंग ऑफ फॉर्चुनेटली खुशकिस्मत, फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ भाग्यवश अच्छा हुआ ओके okay? यस yes. ओके देन नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अब हुआ क्या अब बेटा हुआ ये एक दिन जब ये अपने काम कर रही थी सब्जी वब्जी लेने जा रही थी वन डे शी मेट अ फ्रेंड जी हाँ मैडम फॉरेस्टियर जा मिली से ठीक है विद अ चाइल्ड एंड डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ एंड एक्सप्लेन हाउ शी वाज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एज लुक्स एक्चुअली क्या हुआ जब उसने मिली मतलब मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर को देखा यानी कि अपनी दोस्त जी को देखा तो उसने लगा मैं इसे मिलूँ या ना मिलूँ पर फिर इसे लगा कर्जा तो चुका दिया है अब कुछ बचा ही नहीं है तो बता देती हूँ जैसे ही वो मिली ना उससे तुम्हें तो पता है मैडम फॉरेस्टियर ईयर नहीं इतनी क्लोज़ फ्रेंड होने के बावजूद भी पहचाना ही नहीं मटल्डा को आप कौन तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त याद है मैं याद हूँ आपको मैं आपके यहाँ आई थी नेकलेस लेकर गई थी और फिर उसने बोला तुम इतनी बदल कैसे गई तो उसने कहा तुम्हारी वजह से मेरी वजह से तो फिर उसने बताया ऐसे ऐसे जो पॉटी में हुआ था वो नेकलेस कैसे खो गया और फिर कैसे उस नेकलेस की उधार चुकाने में उनकी दस साल बीत गए और तब मैडम फॉरेस्टियर ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया और वो खुलासा ये था कि जो नेकलेस तुम लेकर गई थी वो तो बस 500 फ्रैंक्स का ही था अराउंड 500 हंड्रेड फ्रैंक्स और वो नकली था एक 500 हंड्रेड फ्रैंक्स के नेकलेस के लिए इन्होंने अपने 10 साल और छत्तीस हज़ार फ्रैंक्स लुटा दिए आप सोच भी नहीं सकते कैसा लगेगा उसे आई बात समझ में जी हाँ नेकलेस जो वापस किया इन्होंने वापस असली किया पर जो लेके गए थे वो नकली था समझ रहे हो आप उसने बताया कि कैसे उधार लिया हुआ नेकलेस के लिए इन्होंने लोन रिपे किया है ना फिर जब उसने बताया कि वो कितने का था बेटा इट वॉज जस्ट अराउंड फाइव हंड्रेड फ्रैंक्स ये प्राइस याद रखना कितनी की उधारी कितने का असली नेकलेस कितने का नकली नेकलेस ठीक है यस yes. बहुत ही बढ़िया ग्रेट गोइंग सो so, बेचारा मन दिल ही टूट गया इसको जब इसे पता चला कि भगवान मेरे दस साल खत्म हो गए इसे थोड़ा समझदार होना चाहिए था जब वो ले रही थी तो पूछना चाहिए था कितने का है है ना बिना मतलब परेशान कर दिया पूरे घर को अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी बट किस्मत में जो होगा वही तो है होना है ना यस इट्स डेस्टिनी सो अब हमने जाना कि कैसे कैसे इनकी जिंदगी बदली एंड द लेसन द नेकलेस एंड ओवर हियर तो कहानी आ गई है समझ में सभी के हाँ या ना क्विकली लेट मी नो मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस बता चुकी हूं मैं ड्रास्टिकली बेटा जैसे एक होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत तेजी से रैपिडली बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटली बहुत ही तेजी से ड्रास्टिकली ठीक है यस yes. हाउ मच मनी दे बोरो अठारह हजार फ्रेंस इन्होंने उधार लिया था कितना उधार लिया था अठारह हजार यस जिंदगी हाँ जिंदगी बर्बाद हो गया तबाह हो गया सही है बिल्कुल बेटा so, बात यह है हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में बिजी थे वाइफ की इच्छाएं ज्यादा थी जिंदगी से जो कि वो चाहती थी उसे नहीं मिल पाया पर हस्बैंड उसका बड़ा ध्यान रखता था बड़ा प्यार करता था तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए एक दिन उसकी पार्टी थी तो उसने पार्टी के लिए बताया इनविटेशन कार्ड दिया हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टी में गए पार्टी में जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके 400 फ्रैंक्स लगे ड्रेस के लिए फिर मैडम फॉरेस्टियर ईयर से जाके उसने ज्वेलरी उधार ली बढ़िया तैयार होकर पार्टी में गए पर उस एक पार्टी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी मैडम अटेला बाद में ना बैठ बैठ कर दस सालों में वो दिन याद करती रोती थी कि कैसा हुआ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन इतना बुरा साबित हुआ मेरे लिए तो बड़ी सैड फील करती थी क्यों क्योंकि वो नेकलेस खो गया था और उस नेकलेस के बोझ के तले इनकी ज़िंदगी बीती दस साल निकल गए कर्जा चुकाने में और आखिर में पता चलता है कि वो नेकलेस जिसके लिए इतना कुछ किया वो नेकलेस ही नकली था तो आगे सभी को बात समझ में यस सोचता था कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते यस yes, बहुत अच्छा गाना याद दिलाया आपने वेरी गुड ऋषि शर्मा सिचुएशन की डिमांड है सही कह रहे हो आप बहुत ही बढ़िया वॉट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी लाइफ में हर चीज़ सोच समझ के करो एंड ना बेवकूफ़ों की तरह मत अब जैसे एक बात बता मैं तुमसे घड़ी मांग रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कितने की घड़ी है तुम बोले अरे आईपल की घड़ी है ध्यान रखना मेरी घड़ी का यू नो सिंपल सा लॉजिक होता है उसने नहीं बताया तो इसे तो पूछना चाहिए था हजबेंड की बात मान लेती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती बट क्या करें बुच्छर बेटा वो होता है वो नहीं होता जो बकरियों को काटता है बुच्छर कसाई काइंड uh, ऑफ kind of, वो जो बंदा होता है उसे ठीक है यस आयुष मिश्रा यस आर्यन निखिल गुप्ता बहुत बढ़िया यस मटिलडर वॉज अ ग्रीडी पर्सन ग्रीडी तो हम नहीं कह सकते बेटा क्या होती है ना शी वॉज मोर एम्बिशियस शी हैज एक्सपेक्टेशन विथ लाइफ वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी जिंदगी के सारे ऐशो आम चाहती थी ओके यस ओके किशन कुमार काम बस जो ऑर्डर है उस पर सराखों पर नाउ इज गोइंग टू बी क्वेश्चन टाइम विथ पूजा मैम ओके सवालों से सवालों के साथ बौछार लेकर मैं हूं तैयार क्या आप हैं तैयार आर यू रेडी फॉर सम एक्शन फॉर सम क्वेश्चन आंसर टाइम जिसको लगता है अरे ऐसे संभाल लेंगे हम तो लेसन को चलिए देखते हैं यस अंकित चौधरी ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूं मैं यस ओके बेवकूफ लोग जी हाँ कौन है बेवकूफ लोग तो पहला सवाल क्लर्क बेटा वो प्यून व्यून क्लर्क की नौकरी जो होती है वो वाला क्लर्क मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट कब आएगा ओहो टेक्निकल पुष्पेंद्र भाई आ चुका है देख प्ले में मिल जाएगा हस्बैंड की बात वाइफ कभी नहीं मानती नॉट इन ऑल यार, बट हाँ इस केस में इसने नहीं मानी ओके यस ओके यस शी वॉज लिटिल सेल्फिश उसको उम्मीदें ज्यादा थी लाइफ में ठीक है ओके okay, देन सॉरी लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड नाउ रेडी हो तुम लोग सवालों के लिए हां जी बहुत ही बढ़िया वी कैन से शी वॉज अ सेल्फिश लेडी शी वॉज मोर एम्बिशियस उसको ना अपनी मतलब इच्छाएं ही खत्म नहीं हो रही थी उसकी केमिस्ट्री पढ़ा दो आप पीरियोडिक और कार्बन पढ़ा रखा है देखना रे यस hmm. yes. ओके एवरीबडी थम्सअप आ गया है बच्चा लोग है रेडी पूरी समरी हमने डिटेल में देख ली है प्यारा सा ये लेसन है और दिल को चीर देता है वो बेचारी मटिल्डा का क्या हुआ होगा वो वाली बात है आईफोन के डब्बे में नोकिया निकले <laughs> ऐसा हो गया बेचारी के साथ बट आई गेस सच इज लाइफ होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है शशि गुप्ता फुल पावर हल्के में नहीं लेने का हमें बिल्कुल भी आई एम कम्प्लीटली फाइन ओके यस चलिए फिर पहले सवाल आपकी तरफ आ रहा है जी हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सुनिए वॉट अ पर्सन इज मैडम व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी अच्छा सवाल है दिक्कत क्या है मैडम को हमेशा दुखी रहती है आंटी हाँ क्या दिक्कत है बताओ जो आंसर अब तुम लिख रहे थे और बता रहे थे है ना देखो शी वॉज वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड शी वॉज अ वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिसफाइड पर्सन क्यों क्या लिखेंगे हम हम लिखेंगे कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी उसकी इच्छाएँ बड़ी ज़्यादा थी उसका घर उसे छोटा लगता था ठीक है हमेशा सपने देखती थी बड़ी बड़े आलिशान चीज़ों के बड़ा घर ओके बड़ी गाड़ी अमीर घर में मेरी शादी होती बड़े बड़े मैं एक्सक्विट क्विजीन खाना खाती अलग अलग चीज़ें करती नई नई चीज़ें बनाती खरीती शी इज ए ग्रीडी वूमेन एंड ऑलवेज हाँ लालच बुरी बला है ना यस yes. बहुत ही बढ़िया हाँ पूजा मैम केमिस्ट्री का वन शॉट लाओ ले आएंगे जल्दी अभी तो पेपरों में बहुत सारा वक्त है रे कर लेंगे सब कुछ हम ठीक से करेंगे रे सब करेंगे ठीक है वन शॉट में भी लाएंगे सब कुछ सो so, ये सवाल आई होप आपने देख लिया और बात आ गई है समझ में ठीक है यस बहुत ही बढ़िया शी वॉन्ट्स लग्जरीज बहुत ही बढ़िया श्याम्भवी वेरी गुड ओके आकाश कैसा हुआ बेटा आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम आज मेरे इंग्लिश का बोर्ड का पेपर था हम्म लास्ट में ये डायलॉग डालना चाहिए वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिया जिंदगी बदल दी जी हां ओके शी हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर लाइफ बहुत ही बढ़िया नाइस चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड बेटा दोनों के बारे में हस्बैंड कैसा था वाइफ कैसी थी पता होना चाहिए हस्बैंड तो बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा लविंग सा तो था बहुत केयरिंग नेचर का था मतलब सपोर्ट ही कर रहा था कितने भी कांड किए फिर भी सपोर्ट किया हर हस्बैंड इज अ वेरी केयरिंग एंड ए लविंग मैन इज नॉट ग्रीडी लालच नहीं करता ये ही स्टे इज़ हैप्पी विथ वॉट एवर ही हैज़ जिंदगी में जो मिला है जो भी उससे मिला है उसमें वो खुश है ही इज हैप्पी विथ वॉट एवर ही हैज ओके ही अप्रिशिएट्स थिंग्स things लाइफ हैज has हिम एंड डज नॉट not टू सी हिज वाइफ wife unhappy. फॉर हिच ही sacrifices हिज ओन नीड्स अपनी हर चीज उस पर कुर्बाँ वो वो याद है वो बंदूक जो उसको लेने का मन था उसने नहीं लेना अपनी बीवी के लिए सेक्रीफाइस किया और हमेशा आइडिया भी तो दिया अच्छे अच्छे कि पहले फ्लावर ज्वेलरी वाला है ना फ्लावर ज्वेलरी वाला आइडिया और फिर मैडम फॉरेस्टियर वाला आइडिया पर पता थोड़ी सा आंटी ऐसा करेगी है ना यस बहुत ही बढ़िया आहो एक बच्चा समीर कह रहा है मजेला को देख के मैं शादी नहीं कर नहीं रे सारे एक जैसे नहीं होते बिल्कुल नहीं होते ऐसे नहीं बोलते है ना हस्बैंड केयरिंग काइंड बहुत ही बढ़िया नाइस वेरी प्रिटी क्लर्क चलो भाई बढ़िया है तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा हस्बैंड था इसने अपना हस्बैंड होने का सारा फर्ज निभाया सारा बढ़िया तरीके से ढूंढने भी गया था बेचारा पूरी पूरी रात नेकलेस को ओके okay? यस yes. अगला सवाल अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन नाउ वट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉयजल तो ड्रेस लेने के बाद में भी उसको नई प्रॉब्लम आ गई थी क्या थी वो ठीक है जब हस्बैंड ने उसको 400 सौ फ्रैंक दे के बोला जा ले ले तेरी ड्रेस जी ले अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करने के बाद भी फिर भी मैडम लॉयजल को क्या दिक्कत आई ज्वेलरी पहनूंगी मैं तो सुंदर सी फूलों वाली ना पहनी मुझे तो अभी साफ कह दिया फ्लावर ज्वेलरी ना चाहिए भाई हमें हमें तो अच्छली वाली ज्वेलरी चाहिए तो शी अ ग्रीडी वूमेजली एंड एक्टिंग स्ट्रेंजली एंड डिमांड ज्वेलरी टू वेयर और एल शी विल नॉट गो टू द पार्टी मैं नहीं जा रही तुम्हारी पार्टी में आए बड़े क्या है मेरे पास पहनने के लिए ऐसे नौटंकी करने लगती है वो ठीक है यस निखिल गुप्ता डिप्रेशन को लात मार के भगा दो यार खुश रहा करो हाँ प्रॉब्लम बहुत है जिंदगी में चैलेंजेस बहुत है किसके पास दिक्कत नहीं अब ये भी तो बोल सकता था मेरे साथ ऐसा हो गया बट फिर भी नहीं किया ना इसने हिम्मत करके फेस किया सब कुछ ड्रास्टिकली का मीनिंग हीर मैंने बताया बेटा ड्रास्टिक चेंज फॉर एग्जाम्पल तुम ना पांच छह दिन में बहुत वजन कम कर लो ड्रास्टिक बीमार हो गए एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है वैसा वाला ठीक है यस yes. राम राम, राम रवि प्रजापति कैसे हो आप चाय वाले भैया चाय पिलाते हो यार <laughs> ऐसे मत करो देखो फिर चाय पीने का मन कर जाएगा हम्म ओके okay, आयुष्मान के थर्टी फाइव आउट ऑफ फोर्टी वेरी वेरी गुड ओ सफीन हसन बहुत प्यारी बात कह रहे हैं मैम आप जब पढ़ाते तो पता नहीं क्यों भूलता ही नहीं है सो so स्वीट यार ऐसा ही होना चाहिए ना यस yes, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द प्रॉब्लम सोल्व कौन सी प्रॉब्लम वही नेकलेस वाली लड़ाई झगड़ा हो गया तो मैं नहीं जाऊँगी पार्टी में तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया मैडम फॉरेस्टियर से जाके उधार नेकलेस ले आओ पार्टी में पहन लो और रैश करो ये आइडिया किसने दिया था मिस्टर लॉयजल ने तो जब वो मानती नहीं है वेन शी डज नॉट एग्री टू वेयर फ्लावर्स टू दार्टी फ्लावर ज्वेलरी हर हसबैंड सजेस्ट हर टू अप्रोच हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर हु इज अ रिच लेडी एंड वुड वुडलैंड हर ज्वेलरी टू वेयर एट द पार्टी अमीर घर की है बहुत सारे नेकलेसें एक दे देगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना पहन के तू अपने खुश हो जा ठीक है यस वेरी गुड अनामिका ओके समझ गए आपकी बात ठीक है भाई गाने गुणे ना गाएंगे अब हम ओवरवेलमिंग के मतलब सुनो बेटा बहुत ज्यादा खुशी जब रिजल्ट मस्त आता है क्लास में टॉपर होता है वो जो एक ऐसे बटरफ्लाई ओवरवेलमिंग ही खुशी जब होती है तब हम ओवरवेलमिंग कहते हैं ठीक है यस yes. बहुत ही बढ़िया हाँ पैसा ना घर और सपने बड़े बड़े समीर यार जरूरी नहीं कि तुम कैसे आई मतलब किन हालातों में पैदा हुए तुम गरीब घर गर में हुए वी नेवर नो पता नहीं यार तुम कहाँ हो इससे ज़्यादा मैटर करते तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ पहुँचने वाले हो हर गरीब इंसान गरीब नहीं मरता ना वी कैन डू वन डज इन लाइफ इसकी उम्मीदें ज्यादा थी बट ये ना अपनी एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़ जो है उसमें भी खुश रहना पड़ेगा हाँ मेहनत करो कमाओ खाओ खुश रहो ठीक है बट जो है उसको भी बिगाड़ दोगे तो कैसे चलेगा तो ये इसमें गड़बड़ थी मीनिंग ऑफ मार्वल्स प्रत्यक्ष तारीफ माइंड ब्लोइंग मार्स परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया ठीक है यस yes. चलो शी बोड द नेकलेस बहुत ही बढ़िया चलो भाई आगे बढ़े आगे बढ़ रहे हैं चलो ओके ग्रेट आई एम हैप्पी कि तुम चीजों कर पा रहे अगला सवाल थोड़ा बड़ा है व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयजल डू नेक्स्ट तो उधार लेके नेकलेस लेने के बाद में वो क्या करते हैं है ना नेकलेस जब खो जाता है मैन दे अंडरस्टैंड देट दे नेकलेस तब उन्होंने जो किया वो ये है कि पहले वो कैब नंबर याद करने की कोशिश करते जिस कैब में वो आए थे जिस कैब में वो आए थे ठीक है सो दैट दे कैन चेक देयर मिस्टर लॉजल गोज वेयर शी कुड फाइव ड्रॉप डिट कहीं रास्ते में कहीं गिरा दिया हो वहाँ ये चेक कर जाता है पुलिस स्टेशन जाता है कैब ऑफिस में जाता है ही ऑल्सो गिवस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर सेट द पर्सन रिटर्न इट विल बी रिवॉर्डेड बट नथिंग वर्क तुम समझ रहे हो नेकलेस खोने के बाद उसको ढूंढने की कितनी कोशिशें इन्होंने की वो बात यहाँ पर पूछी जा रही है ठीक है क्या कुछ करते हैं मिस्टर लॉयजल ही ज्यादा करता है देखा जाए तो मतलब इश्तहार दे देना बहुत चीजें करता है बट ऐसा नहीं हो पाता है ठीक नहीं हो पाती है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि नेकलेस नहीं मिलता तो फाइनली क्या डिसाइड करते हैं ये तो टू रिप्लेस द नेकलेस कैसे नया नेकलेस खरीद के जो नेकलेस खोआ है जैसा वो दिख रहा था वैसा ही नेकलेस खरीदने का इरादा बना दिया आई देखती है मैम आशीष पूछ रहा है पसंद है मुझे बट अब काफी वक्त हो गया दो सीजन से मैंने फॉलो नहीं किया है बट हाँ पहले मुझे बड़ा शौक होता था हर मैच देखना होता था आई आई लाइक क्रिकेट बट हाँ अब काफी बिजी रहते हैं बट हाँ थोड़ी बहुत अपडेट लेते रहते हैं ओ स्नेता टेल ऑफ कस्टर्ड समझ आ गया बट अच्छे से यस ओके श्रेया आई दू मूड फ्रेश फ्रेश रखो है ना यस बहुत ही बढ़िया वेरी नाइस बेटा ये सरने है अंकित शर्मा किसी बंदे का नाम है जो आप ले रहे हो ठीक है यस ओके आगे बढ़ते हैं अभी ये सवाल भी हमने अच्छे से आंसर किया मिस्टर मिस्टर मैडम लॉयजल ने दोनों हस्बैंड वाइफ ने नेकलेस को ढूंढने के लिए क्या कुछ किया जब उन्हें पता चला कि नेकलेस गायब हो गए सो so, एक नेकलेस ने यार वाट लगा दी इनकी जब पता चला गायब हो गया तो बहुत जोर लगा बड़ी मेहनत की इन्होंने राइट right? यस yes. अगला सवाल हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस कितने पैसे क्या है वो जुगाड़ आपको पता होना चाहिए नेकलेस उन्होंने खरीदा दुकान से कितने का छत्तीस हज़ार का ये छत्तीस हज़ार फ्रैंक्स कहाँ से आए अठारह हज़ार अठारह हज़ार अठारह हज़ार हुआ उधारी डेप्ट कर्जा और बाकी अठारह हज़ार पापा के दिए हुए इनहेरिटेड जो मनी थे ठीक है सो so, उनके पास अठारह हज़ार थे बाकी इन्होंने रेस्ट ऑफ द मनी बाय मेकिंग फॉल्स स्टोरीज एंड टेकिंग लोन्स फ्रॉम ए लॉट ऑफ लेंडर्स बड़े लोगों के पास जा जाके उधार मांग मांग के इसने काम किया ठीक है यस yes. एक बच्चा पूछ रहा है पीडीएफ डी कहाँ मिलेगा पीडीएफ बेटा पीडब्ल्यू मोबाइल ऐप में जाना है वॉरियर में बैच में जाना है वहाँ फ्री में आपको हमारे पढ़ाए हुए पूरे सिलेबस के जो शॉर्ट वन शॉर्ट्स हैं लेक्चर्स हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे ठीक है यस yes. अच्छा पीडब्ल्यू मयंक बहुत देर से कंग्रेचुलेशन कहते हुए एक डायलॉग बोलना चाह रहा है चलो मयंक आपके लिए शायरी पानी पीना है तो ग्लास में पियो इन बिस्लरी बोतलों में क्या रखा है पढ़ना है तो पी डब्ल्यू से पढ़ो और सबों में क्या रखा है अरे वाह वाह भाई वाह भाई वाह भा, भा, भा। इर्षा दर्जे बहुत ही बढ़िया आधा बर्जे वेरी गुड या बहुत ही बढ़िया यस yes, सुनील क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर मैं कर देती हूँ नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया इन्होंने पैसे इनके पास कहाँ से आए ये यह यहाँ पर आपको लिखना था ठीक है यस बहुत ही बढ़िया खंबा गणी विक्रम जोशी गणी खंबा आपको बहुत बढ़िया यस मीनिंग ऑफ हेजिटेटेड नहीं पता आपको नवल किशोर हेजिटेशन बेटा हिचकिचाहट हिचकी रहा था वो ठीक है यस आई बॉन पुर बट डेथ इन आई विल डाई इन रिच यस पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है बहुत ही बढ़िया तो बेटा कुछ सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं है ना जल्दी से मैं आपको एक बात बता दूँ नाम ध्यान रखना मटिल्डा मटिल्डा का पति लॉयजल दोनों ने मदद किससे मांगी मैडम फॉरेस्टियर स्पेलिंग्स में गलती बिल्कुल भी मत कर देना बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं ठीक है लॉयजल को लोमोव लिखाते हैं वो जो नतालिया वाला लोमोव था कंफ्यूज मत होना मटिल्डा का पति लॉयजल है लोमोव नहीं ओके यस बहुत ही बढ़िया ग्रेट आपके सवालों के सभी जवाब आपको मिलते हुए वेरी गुड शाहीन बधाई हो आपने टॉप किया अप्लॉस का मतलब विष्णु जिंदल गिव हिम ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉस जब आप कोई काम करते हो आपका काम पसंद किया जाता है सराहा जाता है तो तालियां मारते हैं बिग राउंड ऑफ अपलॉस वो वाला यस सो ग्रेट सभी को बहुत ही बधाइयाँ जी बधाइयाँ ओके okay, कुमारी शबनम का सवाल का जवाब मैम मुझे लिखना नहीं आता बेटा पहली चीज़ क्या लिखना नहीं आता देखो तुम्हारे अगर लिटरेचर की बात करो तुम पूरी कहानी पढ़ो समझो अब जैसे तुम एक क्वेश्चन पढ़ते समझ यार क्या लिखना है लिखा हुआ जो है सही आंसर उसको पढ़ो अच्छा इस सवाल में ये चीज़ें लिखनी पड़ती है जब हमें समझ नहीं आता क्या करना होता है सैम्पल देखना होता है एग्जाम्पल्स मेक्स लाइफ ईजियर जब कोई थियोरी समझ नहीं आती है एग्जाम्पल से समझ आ जाता है तुमसे नहीं हो रहा तुम देखो लिखा हुआ पढ़ के देखो एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे तीन बार पढ़ोगे फिर लिखने लगोगे तो बात बन जाएगी ऐसे हाथ खड़े मत करो यार क्यों नहीं लिखना आता पूरी कहानी अगर दिमाग में फिट है तो उससे रिलेटेड जब सवाल पूछे जाएंगे तो बोलना आना चाहिए लिखना भी आना चाहिए नहीं आता तो प्रैक्टिस करो सैंपल देखो धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाओगे ठीक है यस थैंक यू सो मच ऋषि शर्मा थैंक यू चलो फिर जल्दी जल्दी कराया कि नहीं मैंने आपको द नेकलेस लेसन सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बातें बताई जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स आपने पूछे मैंने बताए ठीक है मिस्टर लॉयजल का कैरेक्टर कैसा था मटिलडा का कैसा था वो कैसी नेचर की थी ओके ये मैंने आपको बताया फॉरेस्टियर ने कैसे उसकी मदद की फिर दोबारा वो कब मिली और कैसे पता चला है ना यस बिल्कुल स्नेहलता अग्रवाल मैंने आपको बताया था कि नेकलेस फोर्टी थाउजेंड का था पर इसकी जेब से छत्तीस हज़ार गए थे क्योंकि चार हजार का डिस्काउंट मिल गया था हजार का डिस्काउंट ही बताया मैंने बट क्योंकि इसकी जेब से थर्टी सिक्स थाउजेंड गए थे तो हम थर्टी सिक्स थाउजेंड मानेंगे ओके यस बहुत ही बढ़िया ओके देन सी यू एवरीबडी वक्त आ गया है आप सभी को थैंक यू बोलने का और ये थैंक यू किसके लिए सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं हमसे पढ़ने के लिए नहीं अच्छा देने के लिए नहीं बल्कि इन सब के साथ साथ एक पता नहीं यार क्या कहते हैं उसे एक पॉजिटिव वाइब्स का संचार होता है इट्स लाइक like तुम यही हो तुम फील कर रहे हो तुम महसूस कर रहे हो सही गलत मस्ती मजाक आई मीन एक कनेक्शन ऐसा जुड़ गया है ऐसा लगता है कि यार मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में सोफे पे बिठा के तुम्हें पढ़ा रही हूँ आई मीन वी फ्यू स्टूडेंट्स जिनका नाम हम जानने लगे हैं जिनका रिजल्ट देख के हमें खुशी हो रही है इतने सारे लोग जो शायद मुझसे कभी ना मिले जिंदगी में बट उनसे मैं इस माध्यम के थ्रू इस मीडियम के थ्रू मिल पा रही हूँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ केमिस्ट्री और इंग्लिश जैसे दो टेक्निकल स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलप करने वाले सब्जेक्ट्स जो आगे जाके काम आएंगे उनमें मैं आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ आई वाट थैंक यू इनफ ओके सो मेरी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी फ़र्क आए पॉजिटिव फर्क आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी यूं ही लगे रहेंगे खुश रहेंगे है ना मेहनत करते रहेंगे एंड थैंक यू टू एवरीबडी प्री बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम्स अच्छे होंगे आप सबके लिए हम कुछ और यार पी डब्ल्यू है ना कभी भी ना अच्छा चलो अच्छा काम हो गया ऐसे बैठता नहीं है अच्छा हो गया और अच्छा करके दिखाएंगे यार तो ये जो हमारे अंदर एक लगन है एक डेडिकेशन है डिटर्मिनेशन है टू डू गुड एंड कीप डूइंग गुड एंड उस गुड का लेवल बढ़ाना बेस्ट करना गुड बेटर बेस्ट होता है बेस्ट टेस्ट 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 एस्ट करने की जो कोशिश हमारी हमेशा यूं ही जारी रहेगी आपका और हमारा प्यार यूं ही बना रहे मिलते रहे हम लोग ओके okay? तो आई थिंक ये साथ कभी ना टूटे आप आगे भी जाओगे आगे पढ़ोगे बट वेन एवर यू फील कम्युनिकेशन स्किल्स का पॉइंट आता है अपने आप को प्रेजेंट करने की बात आती है हमारे एक्सपीरियंसिस जो हमने शेयर किया आपसे वो कभी ना कभी जरूर काम आएंगे सो एवरीबडी आई थिंक एग्जाम में अपना बेस्ट देते रहो जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनकी क्लास लेते रहो है ना लेक्चर्स अभी भी अवेलेबल हैं ओके सो आई थिंक थैंक यू सो सो वेरी मच एवरीबडी राठौड़ आकाश कह रहा है पीडब्ल्यू से पढ़ा पेपर इंग्लिश का बहुत अच्छा हुआ थैंक यू सो मच थैंक यू ऋषि मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगा ओपी 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 एंड सो ऑन जी हाँ जिंदगी यूं ही ओपी रहे हम सबकी ठीक है चाय वाले भैया तब से पूछ रहे चाय में पत्ती कितनी डालते हो आप हाँ ओके okay. ओ आप चाय में पड़ी चीनी की तरह स्वीट हो सो स्वीट थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच तो येस लव यू टू ऑल 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 ऑफ यू एंड एक्सक्यूज़ मी सो गाइस आज के लिए थैंक यू सो वेरी मच आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करेंगे मैंने आज आपको द नेकलेस भी करा दिया है ओके okay, ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं टर्म वन के टाइम पे कराए थे है ना आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे अच्छा लिखोगे मुझे पता है और आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे है ना यू गाइस आप हमें भूल जाओ ये हो नहीं सकता आप हमें भूल जाओ ये हो नहीं सकता और हम हम आपको भूल जाए ये हम होने नहीं देंगे बिल्कुल आपके लिए कुछ न कुछ हमेशा आता ही रहेगा आता रहा है आता रहेगा यूं ही एंड यस yes, हरमीत कौर समीर सोनी रितेश जिशान वेरी वेरी मैं सभी की बातों को मैं मानते हुए ओके टेक केयर एवरीबडी ओके आप भी टॉप करो प्री बोर्ड में बोर्ड में इसी इच्छा के साथ थैंक यू सो वेरी मच एंड यस अपने हर फील्ड में जहाँ जहाँ तुम जाओ तुम कामयाब हो उसके लिए अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग तुमसे मंत्रमुग्ध हो जाएं तुम्हारी दिल की बात उनके दिल तक पहुँच जाए सो so, अपना बेस्ट दो तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो जो मन में है वो जुबान पर लाने की हिम्मत रखो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इसी प्यार भरे आज का एक खुशी वाला नोट के साथ कि ज़्यादा दिमाग लगाकर चीजों को खराब नहीं करना है जितना जिसके लिए जरूरी है उतना दिमाग लगा के आगे बढ़ते चले जाना है सो मिलेंगे जल्द ही तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए यूँ ही प्यार बनाए रहिए पढ़ते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेवर 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 गिव अप कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे यहाँ हर मैदान फतेह सो यस बाय बाय टू यू कर लो हर मैदान फतेह मिलते रहेंगे ध्यान रखिएगा बाय बाय